विभाग की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक जिला अधिकारी के विजेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में डीएम ने बताया कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 मार्च से 31 मार्च तक, दस्तक अभियान 10 मार्च से 24 मार्च तक संचालित होगा। अभियान की शत प्रतिशत सफलता सुनिश्चित करने हेतु अंतर विभागीय समन्वय आवश्यक है। सभी संबंधित विभाग अपने अपने दायित्वों का निर्वहन समयबद्ध ढंग से पूरा करें और कोविड-19 की गाइडलाइन का प्रयोग करते हुए अभियान को सफल बनाएं। जिलाधिकारी ने कहा कि 25 फरवरी तक आशा एएनएम का प्रशिक्षण करा दिया जाए। प्रशिक्षण कार्य को प्रमुखता के आधार पर पूरा कराते हुए प्रत्येक दशा में 25 फरवरी तक बीटीएफ की बैठक भी आयोजित कर ली जाए। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग माइक्रो प्लान तैयार कर 25 फरवरी तक सीएमओ कार्यालय को उपलब्ध करा दे। दस्तक अभियान के दौरान आशा दरवाजे पर स्टिकर लगाते हुए जनमानस को जागरूक करें। उन्होंने बताया कि इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर एवं 3 मिनी पीकू जनपद में संचालित हैं, जहां 24 घंटे इलाज की व्यवस्था है। समय से इलाज कराने से प्रभावित बच्चे को बचाया जा सकता है। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में 144 गांव अति संवेदनशील हैं, जहां पर विशेष सफाई अभियान चलाकर गांव को स्वच्छ रखा जाए और वहां फॉगिंग छिड़काव आदि कराएं, ताकि मच्छर न पनपने पाएं। साफ सफाई से अनेक बीमारियां स्वतः समाप्त होती हैं। जिलाधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि वे शुकर पालकों को पोल्ट्री आदि रोजगार से जोड़ना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा कि टीबी ग्रसित बच्चों को सभी अधिकारी गोद लें तथा उन्हें स्वस्थ करने की दिशा में समुचित व्यवस्था करते हुए टीबी मुक्त कराएं। उन्होंने बताया कि प्रति माह के 6 तारीख को जननी सुरक्षा दिवस का आयोजन किया जाता। आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने की दिशा धीमी प्रगति पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि इस कार्य में कोटेदारों को भी सम्मिलित करते हुए प्रगति लाई जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे, जिला कार्यक्रम अधिकारी हेमंत सिंह, उप जिला शिक्षा स्वास्थ्य अधिकारी सुनीता पटेल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी व सीएससी पीएससी के प्रभारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, सर हमारी जो अब तक जो कवरेज है सर, जो कल तक था रिपोर्ट हुआ था सर, लेकिन सर वो अभी बढ़ के 26.349 हुआ है। डिपार्टमेंट से सर कल तक 35% रहा है, 82% रहा है हमारा। कब से 15 से फर्स्ट जो 16 को लगा था सर, उनको 15 को लगा है सेकंड में। बताना पड़ेगा उनको, देखिए अब दोबारा हम लोग आया है वो कोई भी चीज़ हो तो आईटी से नोट करा लीजिए, यहाँ नोडल ऑफिसर को अटेंड कर लेंगे, इसको दोबारा मजबूत करा लूँगा। आईटी से फिलहाल कौन संभाल रही है, आईटी से क्या यहाँ आपके तरफ से किसी को लगाया संभाल रहे, ताकि दोबारा में मजबूत कराना पड़ेगा, तब यह सफलता मिलेगी हमें। सर ये हमारी जो कल आज जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में 4 चीज़ों पर चर्चा की गई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी की मीटिंग थी, जिसमें विभिन्न विभाग आते हैं जो उसके मेंबर हैं, और हमारी डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स जो वैक्सीनेशन कराने के लिए रखी जाती है, जिनकी हर हफ्ते एक मीटिंग होनी होती है जिलाधिकारी की अध्यक्षता में, और तीसरी मीटिंग ट्यूबरक्लोसिस के अंतर्गत हुई है।
क्योंकि टीबी का प्रोग्राम जो है वो प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है कि 2025 तक हम टीबी इंडिया से हटा लेंगे, तो निकाल इरेडिकेट कर देंगे, तो उसके संबंध में भी एक बैठक हुई थी। तीसरी बैठक जो है दस्तक को लेकर हुई, संचारी रोग जो चल रहा है, अभियान चलने वाला है और दस्तक अभियान चलने, उसके संबंध में ही बैठक हुई। सभी बैठकें एक साथ हुई, सभी लोग बैठे थे और बैठक थोड़ी लंबी चली है, लेकिन बहुत ही अच्छी बैठक हुई है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट आएंगे, परिणाम आएंगे। सर, दस्तक अभियान में जो आशा कार्यकर्ती या जो भी कर्मचारी सर जाएंगे गांव में, तो क्या इस दौरान टीबी के मरीजों को भी तलाश करेंगे? हाँ, साथ साथ में टीबी के मरीजों को भी तलाश की जाएगी और दस्तक के भी जितने भी चीज़ें बताई है बताई जानी है उन सब के लिए दस्तक के बारे में जानकारी देगी। सर, ये अभियान कब से शुरू होगा, कब तक चलेगा? दस्तक अभियान जो है 1 मार्च से शुरू होने वाला है, उसका इनॉग्रेशन शुरू हो जाएगा।